बरगी विधायक संजय यादव ने पनागर विधायक सुशील इंदु तिवारी पर निशाना साधते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें बरगी विधायक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि घर घर शराब बिके और गांव गांव शराब बिके, इसलिए विधायक इंदु तिवारी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की गई है कि शराब सस्ती की जाए। इंदु भैया से मुझे एक प्रेरणा मिली, मैं भी आज एक पत्र लिख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, गैस के दाम कम किए जाएं, आटा के दाम कम किए जाएं, यहाँ गैस भी महंगी बिक रही, पेट्रोल भी महंगा बिक रहा और आटा तेल भी महंगा बिक रहा। तो मैं भी एक आदरणीय मोदी जी को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूँगा, क्योंकि मुझे गरीब की चिंता है, मुझे शराब वालों की चिंता नहीं। इंदु तिवारी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शराब सस्ती बिके, घर घर बिके, गाँव गाँव बिके। उनके पत्र से स्पष्ट हो गया है एक जनप्रतिनिधि शराब सस्ती करने के लिए पत्र लिखते हैं, इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती भारतीय जनता पार्टी। शराब महंगी बिक रही, मैंने तो पहली बार सुना है कि शराब महंगी बिक रही, उसके लिए कोई विधायक जी पत्र लिखे। अगर पत्र लिखते हैं आदरणीय इंदु चाचा गैस कम करवाने के लिए, पेट्रोल तेल आटा, तो उनकी मैं तारीफ करता, लेकिन वो शराब सस्ती करवाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री चाहते हैं शराब सस्ती बिके, घर घर बिके, गांव गांव बिके। मक्का नगर में अवैध कारखानों के संचालन पर कोई अंकुश नहीं है। आग की कई बड़ी घटनाओं के बावजूद रिहायशी इलाकों में अवैध कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन कारखानों के शोर में कार्रवाई की बातें दम तोड़ रही हैं। अब तो अवैध कारखाना मालिक गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। इसकी वानगी गुरुवार दोपहर देखी गई, जब इलाके की एक पीड़ित बुजुर्ग दंपति ने कारखाने से होने वाली परेशानियां बताई तो कारखाना मालिक ने जमकर पिटाई की, जिसमें बुजुर्ग दंपति को चोटें भी आई हैं। हनुमान ताल थाना में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। काम करते हैं वो लोग, हम लोग मना करते हैं तो लड़ाई करते हैं वो लोग, तो अभी मना करने गए तो लाठी और तलवार निकाल के वो हमला करे, सबको मारे। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा आज 10वीं और 12वीं के शिक्षा परिणामों की सूची जारी की गई, जिसमें शहर के महाकौशल स्कूल के 10वीं के छात्र समीर पटेल ने 488 अंक लाकर प्रदेश में सातवां स्थान हासिल किया है। वहीं जिले में समीर को पहला स्थान मिला है, जिससे उनके परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। वहीं मॉडल हाई स्कूल में 12वीं कॉमर्स के छात्र शिवांग नामदेव ने मध्य प्रदेश में 10वां स्थान लाकर शहर के साथ साथ अपने स्कूल, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जहां शिवांग के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहां पर मतलब जो भी मेरे शिक्षक साथी हैं, ऑफिस स्टाफ है, सभी का मुझे बच्चे के भविष्य के लेकर के मतलब उनसे डिस्कस करने पर काफ़ी सहयोग मिला, और ख़ासकर शिवांग के टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स और मिराल सर जो कि इनके क्लास टीचर हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग मतलब बच्चे के भविष्य को लेकर के और बच्चे की स्टडी को लेकर के मिलता रहा बीच बीच में। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे ने जबलपुर में टॉप किया और स्टेट लेवल पे 10वें नंबर पे है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, खुशी का दिन है, और मैं अपने बेटे के लिए हृदय से आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि बेटा भविष्य में इसी तरह की उम्मीद उन्नति करो और अपने माता पिता का नाम रोशन। कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और इसके पीछे मेरे टीचर्स का मार्गदर्शन मिला मुझे, और मेरे शिक्षकों ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप आराम से कर सकते हैं, आपको कुछ प्रेशर नहीं लेना है, और मेरे माता पिता की तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं मिला। तो मैं यहाँ आगे अभी सीए करना चाह रहा हूँ, उसी के लिए मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ। टीचर्स ने मेरे सारे मतलब टीचर्स ने कभी मेरे डाउट्स को वो नहीं किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने मेरे डाउट्स को सुना और मतलब समझ के सॉल्व किया, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई आगे जी। मैं आठ से नौ घंटे पढ़ाई करता था, बस इतना सोचा नहीं था कि जिले में टॉप हो जाऊँगा, लेकिन अच्छा लग रहा है बहुत।
जबलपुर के एक निजी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर आशुतोष राय को 3 साल पहले के एक मामले में गवाही ना देने के लिए जबलपुर के अब्दुल रज्जाक और उनके हुर्गों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद घबराए डॉक्टर ने पूरे मामले की शिकायत लॉर्डगंज थाना पुलिस में की है। यहाँ डॉक्टर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के द्वारा अपने हुर्गों को भेजकर 3 साल पहले मामले में गवाही ना देने को लेकर पिस्टल की नोक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर आशुतोष राय, इनके द्वारा एक लिखित शिकायत थाना लाड़गंज में प्रस्तुत की गई है। उनका यह कहना है कि उनके ससुर और उनके पिता उनके बीच में प्लाट का रुपये को लेकर लेन देन हुआ था और उसके जो ससुर हैं वो रज्जाक के साथ मिलकर इन पर आरोप बना रहे हैं। उनके अदालत में जो मामला चल रहा है उनके विरुद्ध गवाही ना देने के लिए इस बात के दो दबाव बना रहे हैं। उस बात को लेकर 3 साल पहले भी उनके द्वारा धमकाया गया था और अभी भी पत्नी और ससुर के माध्यम से उनको लगातार धमकी भेजी जा रही है ताकि वो गवाही बदल दें। इस बात को लेकर शिकायत आई है, उसको अपराध कायम करके जाँच में लिया गया है, विवेचना की जा रही है। इटारसी से भागकर जबलपुर आई नाबालिग बालिका को जब जीआरपी ने मदन महल स्टेशन में संदिग्ध हालात में देखा तो उससे पूछताछ की गई। बालिका ने इटारसी से जबलपुर आना बताया, लेकिन जबलपुर में वह किसके यहां आई है वह बता नहीं पाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे असलियत बताने को कहा तो बालिका ने बताया कि वह परिवार वालों से नाराज होकर ट्रेन में बैठकर जबलपुर आ गई है। जीआरपी जबलपुर की टीम ने बालिका को अपनी संरक्षण में ले लिया है और थाने पहुंचा दिया है। बालिका ने बताए पते पर जब जानकारी ली गई तो पिता ने बताया कि उनकी बेटी गुमशुदा है, जिसके बाद बच्ची का फोटो भेजकर मिलान करवाया तो वह बालिका का ही था, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि बालिका जबलपुर जीआरपी की संरक्षण में है और परिवार के लोग आकर बालिका की सुपुर्दगी लें। हाँ, एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची जी, करीब 14 वर्ष जी जी, कक्षा 7वीं में पढ़ती है जी, जो स्टेशन में घूम रही थी तो संदेह होने पर पूछताछ की गई जी, जिसने अपना नाम पता बताया, वह इटारसी से बिना बताए अपने घर से जी भागकर जबलपुर आना बताया जी, जबलपुर में कहाँ जाना है उसको कुछ मालूम नहीं था जी। फिर हमने परिजनों से संपर्क किया मोबाइल के जरिए, परिजनों ने बताया कि हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान थे वो लोग, तो फिर उनको खबर किए, वो आए, बच्ची को उनको सकुशल हमने सुपुर्द किया। यह अभियान हमारे यहाँ लगातार जीआरपी में चल रहा है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग सभी लोग स्टेशनों में इस चीज का ध्यान रखते हैं। ड्यूटी के दौरान यदि कोई बच्ची, छोटा बच्चा लावारिश मिलता है नाबालिग, तो उससे हम लोग पूछताछ करके जी और उनके परिजन तक हम उनको पहुंचाते हैं। यह कार्रवाई हमारे ऑपरेशन मुस्कान के तहत की जाती है जी।